हॉर्मुज खाड़ी में अमेरिका, ब्रिटेन और ईरान में चल रहे टेंशन के बीच भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है। ईरान ने टैंकर एमटी रिहा पर सवार 12 भारतीय क्रू सदस्यों में से 9 को रिहा कर दिया है। ईरान ने इस टैंकर को हॉर्मुज खाड़ी से 13 जुलाई को जब्त किया था, जबकि उसके बाद ईरान ने 2 अन्य जहाजों को भी अपने कब्जे में लिया था, जिस पर सवार 45 भारतीयों को रिहा कराए जाने का प्रयास जारी है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, टैंकर एमटी रिहा के साथ 12 भारतीय क्रू सदस्यों को ईरानी कोस्ट गार्ड ने 13 जुलाई को हिरासत में लिया था। क्रू के 9 सदस्यों को रिहा किया गया है और वे जल्द ही भारत पहुंच जाएंगे। ईरानी अधिकारियों से हमने बाकी के क्रू सदस्यों को रिहा करने का आग्रह किया है। एमटी रिहा पर बचे 3 सदस्यों के अलावा 18 भारतीय अभी भी ब्रिटिश ऑयल टैंकर स्टेनो एम्पेरो पर सवार हैं। स्टेनो एम्पेरो को पिछले हफ्ते ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज खाड़ी से जब्त किया था। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास को गुरुवार को स्टेनो एम्पेरो पर सवार 18 भारतीयों तक राजनयिक पहुंचा दी गई। रवीश कुमार ने कहा कि भारत इन 18 भारतीयों को लेकर ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। कुमार ने कहा कि हम ईरानी अधिकारियों पर असर डालने में जुटे हुए हैं, जिससे हम उन्हें स्वदेश वापस ला सकें। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी ट्वीट कर तेहरान में स्टेनो एम्पेरो पर सवार भारतीय तक राजनयिक पहुंच मिलने की तस्वीरें साझा की। वहीं ब्रिटेन ने जिस ईरानी टैंकर ग्रेस 1 को जब्त किया था, उस पर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार हैं, जिन्हें ब्रिटिश नौसैनिकों ने जिब्राल्टर जल संधि से हिरासत में लिया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कई फोटो ट्वीट की हैं, जिसमें ग्रेस 1 पर सवार सभी भारतीय क्रू मेंबर के साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मौजूद थे। विदेश राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इनकी रिहाई के लिए सरकार ब्रिटिश उच्च अधिकारियों से बात कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के 3 सदस्य दल ने 24 भारतीय क्रू सदस्यों से 24 जुलाई को मुलाकात की। ये क्रू सदस्य ग्रेस 1 पर सवार थे। उच्चायोग के सदस्यों ने कहा कि सरकार उनकी रिहाई व स्वदेश वापसी के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।